मोटो वन फ्यूजन प्लस वर्सेस पोको एक्स टू। दोस्तों इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ मैं इन दोनों फोन के बीच में फुल कंपैरिजन। पोको एक्स टू का बजट सेगमेंट फोन के अंदर फर्स्ट नंबर पे नाम आता है, लेकिन दोस्तों अब मोटोरोला का जो नया फोन लॉन्च हो चुका है इसके आने पर देखते हैं ये किलर साबित होता है पोको एक्स टू का या नहीं। डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात करें तो पोको एक्स टू के डिजाइन तो आप काफी ज्यादा उससे वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन अब जो मोटो का नया फोन आया है इसमें नई डिजाइन आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं क्वाड कैमरा पीछे आपको देखने को मिलता है और थोड़ा मेटल फिनिश आपको देखने को मिलता है मोटोरोला के फोन में। और जहां तक डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही HDR 10 प्लस सेटिस्फाइड डिस्प्ले है दोस्तों, दोनों ही फुल HD प्लस है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा पोको वालों को है कि उसकी स्क्रीन ज्यादा बड़ी है। पोको में आती है 6.6 इंच की फुल स्क्रीन और मोटो का जो फोन है उसमें 6.5 इंच की स्क्रीन आती है। लेकिन दोस्तों पोको में आपको एक नोच देखने को मिलती है, वो डबल कैमरे वाले होल वाली नोच, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी नोच वगैरह देखने को नहीं मिलती, मतलब पबजी खेलते हैं तो आपको थोड़ी आसानी होने वाली है। तो अब बात करते हैं बैटरी और फास्ट चार्जिंग के बारे में। तो दोस्तों पोको एक्स टू में 4500mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, प्लस उसके साथ आता है 27 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और दोस्तों मोटोरोला के फोन में आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है, साथ में दोस्तों टर्बो चार्जर दिया गया है। जब हमने रिसर्च करी तो हमको पता चला कि वो 18 वोल्ट का चार्जर है दोस्तों, वो ज्यादा इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, पर 18 वोल्ट भी ठीक ठाक है दोनों बैटरी के मामले में, दोनों को मैं इक्वल कहना चाहूंगा। दोस्तों अगर बात करें दोनों की परफॉर्मेंस की तो दोनों के अंदर आपको एक ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 730G और 618 का आपको एड्रीनो ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही बीस्ट हैं। और दोस्तों जहां तक बात करें कैमरा की, सबसे मेन चीज दोस्तों जिस चीज के लिए पोको एक्स टू जाना जाता है, इसका सेंसर 686 सेंसर, सोनी का जो IMX सेंसर आता है इसके लिए जाना जाता है। और दोस्तों अभी कंपनी ने मोटोरोला का जो सेंसर है उसका कुछ मेंशन नहीं किया कि वो सोनी का है सैमसंग का है। अभी दोस्तों जब इसकी सेल होगी जब पता चलेगा कि कैसा इसका कैमरा परफॉर्मेंस है, हम कैमरे की वीडियोस देखेंगे और बनाएंगे भी, तो अभी तक के लिए कैमरे के लिए हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते कि कैमरा किसका बेस्ट है। हाँ दोस्तों सेल्फी कैमरे के अंदर आपको मोटो वाले फोन में पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, और जो पोको एक्स टू उसके अंदर नॉर्मल बेसिक कैमरा आपको देखने को मिलेगा 20+2 का, 2 जो डेप्थ सेंसिंग है। लेकिन दोस्तों मोटोरोला के जो फोन में आपको थोड़ा फ्लेक्सी फीचर देखने को मिलता है। तो बात करें दोनों की प्राइस की तो आपको प्राइस में थोड़ा डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। मोटोरोला का फोन आपको 17000 के अंदर 628 वाला मिल जाएगा वेरिएंट, लेकिन पोको एक्स टू अगर आप 628 वाला लेंगे तो आपको 18500 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 1500 रुपए महंगा है पोको एक्स टू। दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें जो पोको एक्स टू फोन है 20000 के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा फोन माना गया है। अभी तक हमने मोटो वाले फोन की रिसर्च नहीं की है तो हम कैमरे के बारे में बता नहीं सकते किसका कैमरा बेस्ट है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में तो अभी हम कुछ भी जानकारी आपको नहीं दे सकते, लेकिन बाकी और फीचर सारे दोनों के सेम है। थोड़ा बैटरी बैकअप मोटोरोला के फोन का ज्यादा है क्योंकि उसमें 5000mAh बैटरी आपको देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों पोको एक्स टू के अंदर आपको 27 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों दोनों में आप टाई मान सकते हैं, प्रोसेसर वगैरह दोनों में सेम है, डिस्प्ले क्वालिटी लगभग दोनों में सेम है, लुक के मामले में आपकी पर्सनल चॉइस है। और दोस्तों मोटो और पोको आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी कंपनी ज्यादा बेस्ट लगती है। दोस्तों ये था एक क्विक कंपैरिजन इन दोनों फोनों के बीच का। दोस्तों मैं हूं सेंसिंग पावर, आप देख रहे हैं स्पिटेक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।